कपूर ने एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण की तरफ बढ़ाया है दोस्ती का हाथ। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ जाऊंगी, जिसका जवाब दीपिका ने भी दिया रणबीर की तरह उन्हें एक फ्रेंडशिप बैंड देकर। लगता तो यही है कि पिछले सारे गिले शिकवे मिटाकर अब एक्स फ्लेम्स रणबीर और दीपिका ने की है एक नई शुरुआत। तालियां। लेकिन इस नई शुरुआत से शुरू हो गई है इनके रिलेशनशिप से जुड़ी ढेरों नई स्पेकुलेशंस, जिस पर इन दो दीवानों ने किया है कुछ न्यू रिएक्ट। फ्रेंडशिप बैन इज अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, गेटिंग क्लोजर बिटवीन यू। बिटवीन मी एंड हर? यस। No, I think our friendship began long back and we don't need a band to prove that. And so there is no beginning, there our is a continuation. Our friendship is like wine, it only gets better with age. We've been friends for a very, very long time. मैं जब भी घर से निकलता हूँ माँ बाप को बाय बोल देता हूँ, so I think वो कह रहा है, वो ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बाईश है, मतलब लाइफ के लिए बाईश है, मैं कभी आपको देखूंगा नहीं। वो एक्चुअली बोल रहा है कि तेरे लिए आया सिग्नल तोड़ ताड़ के, आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, बट माँ बाप को सिर्फ बाय बोल रहा है, वो बाय नहीं बोल रहा है। रणबीर और दीपिका का ये याराना दिखा रिसेंटली हुए ये जवानी है दीवानी के प्रमोशनल इवेंट पर, जहां मीडिया इंटरेक्शन के दौरान दोनों ही जमकर मजाक मस्ती करते दिखे। ब्रशिंग योर टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज यू कैन सी वी डू सच क्लोज इंटीमेट रोमांटिक सीन्स विद एक्ट्रेसेस दैट क्लीनिनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाउ डू यू डील विद एक्ट्रेसेस दैट मेबी डोंट यूज क्लोज अप? I'm okay. Even if somebody doesn't use close up, it's fine. Ranveer hates brushing his teeth. What? Relax. बदतमीज दिल का सवाल है, basically एक hip movement था और सिर्फ हाथ ऐसे घुमाना था। तो मैं तो सिर्फ ये करते जा रहा था, कैमरा यहाँ से हिल रहा था, कैमरा वहाँ से हिल रहा था, तो ऐसे कुल मिला के गाना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा डांस किया है। उस जमाने के डांस में बहुत एक बात ही कुछ अलग थी, उनके म्यूजिक में ही बात अलग थी, मेलोडी थी, जो बोल होते थे उसमें पोइट्री थी। आज बदतमीज दिल, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, बल्लम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, क्या क्या बोलो यार। टेली दोनों अपने लाइफ में अपनी जवानी कितनी दीवानी है उसके बारे में बताइए। मेरी एक्चुअली पूरी जवानी फिल्म सेट पे ही गुजर चुकी है, अभी मैं 30 साल का हो गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी मेरा बुढ़ापा शुरू हो चुका है। पहली फिल्म में मैंने मेरा टावल गिरा दिया, तो वो एक दीवानगी समझ सकते हैं। और अभी ये जवानी है, दीवानी में लोग बहुत कह रहे कि हाउ कैन यू वर्क विद समबडी लाइक दीपिका, वर्किंग विद समबडी यू हैड अ रिलेशनशिप विद, बट सो या दीज आर थिंग्स विच कम वेरी नेचुरली टू मी। आपने दीपिका और कैटरीना दोनों के साथ काम किया हुआ है, मुझे बताइए दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छी स्माइल किसकी? दोनों की स्माइल अच्छी है, दोनों की दांत वाइट है, दोनों की मुस्कुराहट बहुत आंखों तक पहुंचती है। आई कांट चूज वन। अगर आप दीपिका से पूछो दो एक्टर के बीच में, वो भी ऐसी डिप्लोमेटिक सवाल देगी क्योंकि मुझे भी आगे जाके दोनों के साथ काम करना है, तो मैं झूठ नहीं कहूंगा, यहाँ दीपिका बोलूंगा, वहाँ कैटरीना का नाम लूंगा, तो दोनों की स्माइल बहुत अच्छी। मुझे लगा था माधुरी का नाम लोगे क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं था। अच्छा। तो देखा आपने, फिल्म ये जवानी है दीवानी के प्रमोशंस पर रणबीर और दीपिका की बदतमीजियां बिना रुके चल रही है। आई थिंक हमने अभी इतना कुछ कहा है इस फिल्म के बारे में, द लास्ट 10 डेज प्रेस भी पक चुकी है, आई थिंक लोग भी पक चुके हैं, आई थिंक मोर ऑर लेस द प्रोमोज सेड ऑल। सो ही इज विशिंग दिस कपल गुड लक एंड वी होप ये जोड़ी यूं ही बनी रहे। फ्रेंडशिप इज लाइक वाइन, इट ओनली गेट्स बेटर विद एज। तालियां।